YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हिमाचल में सरकार ने उन स्कूलों में सोलर लाइट्स लगाने का फैसला किया है जहां सालों से बिना रोशनी के छात्र पढ़ाई कर रहे थे। केंद्र सरकार से अलग से बिजली के लिए बजट मिलने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। शिक्षा विभाग का राज्य परियोजना निदेशालय प्रदेश के 312 स्कूलों व 13 हॉस्टलों और में सौर लाइट्स लगाने का है। हिमऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है ताकि जल्द ही स्कूलों में सोलर लाइट्स लगाई जा सके। केंद्र सरकार से प्रदेश को लगभग 2,40,00,000 का बजट भी मिला है। हाल ही में हुई पीएबी की बैठक में एसएस के वार्षिक बजट प्लान के लाइट्स के प्रस्ताव को भी शामिल किया गया था जिसे केंद्र की ओर से मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब विभाग ने स्कूलों में सोलर लाइट्स लगाने संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आपको बता दें 312 स्कूलों में अब सोलर पैनल लगेंगे और जो छात्र छात्राएं बिना बिजली के पढ़ाई करते थे, बिना रोशनी के अपनी किताबें पढ़ते थे, अब उन्हें सहूलियत मिल जाएगी क्योंकि केंद्र की तरफ से बजट दिया जा रहा है बिजली विभाग को और जिसके चलते सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि 312 जो स्कूल है वहां पर रोशनी आ सके, यानी कि बच्चे पढ़ सके और 312 स्कूलों में ये लाइट्स लगेंगी सोलर सिस्टम के द्वारा और केंद्र सरकार ने बजट मंजूर भी किया है।